नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जानकारी अच्छी अपडेट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसे स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम के दौरान जो ऑनलाइन एग्जाम वाला पोर्टल बनाया गया प्राइवेट डिस्टेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ पर PDF सबमिट करवाने संबंधी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी प्रशासन को मेल भी किया गया और छात्र संगठनों की तरफ से भी जो छात्रों की समस्याएं हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष रखी गई। और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए छात्रों को एक और विकल्प दे दिया कि स्टूडेंट अब अपनी आंसर बुक का एक एक पेज जो है वो स्कैन करके उसकी फोटो कैप्चर करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने की वजह से आ रही थी समस्या, लेकिन जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी दुरुस्त थी, सही थी, वहां पर भी स्टूडेंट्स को समस्याएं आ रही थी। और अब स्टूडेंट्स को ये एक और ऑप्शन दे दिया गया कि वो चाहें तो जो उनके आंसर बुक है आंसर बुक का एक एक पेज भी अपलोड कर पाएंगे, जिससे कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि PDF जो है अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पर PDF का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से कई बार वो अपलोड नहीं हो रही थी। जो परीक्षार्थी ऑनलाइन मोड में परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कई ने विद्यार्थियों के हित में कदम उठाते हुए एक नया विकल्प प्रदान किया। जुलाई अगस्त 2021 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत अब विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को एक एक पेज करके भी अपलोड कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में 36 पेज हैं, तो 36 पेजों की अलग अलग फोटो कैप्चर होगी, वो पेज स्कैन होंगे और पोर्टल पर फोटो जो है वो अलग से अपलोड की जाएगी। प्रत्येक पेज की जो फोटो है छवि है अपलोड करते समय मोबाइल के रियर कैमरे के माध्यम से कैप्चर होगी, जबकि इससे पूर्व विद्यार्थियों को 3 घंटे में उत्तर पुस्तिका लिखने के बाद मैक्सिमम 36 पेज की जो पूरी फाइल है जो PDF है वो अपलोड करने की अनुमति थी। लेकिन जो नेटवर्क, ये कह रहे हैं खराब नेटवर्क और बड़े आकार की PDF फाइल साइज होने के कारण पूरी जो है उत्तर पुस्तिका निर्धारित समय में सफल रूप से अपलोड नहीं कर पाते थे, स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही थी। डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि एक एक पेज की JPG फॉर्मेट में अपलोड करने में विद्यार्थियों के समय की बचत होगी, कम इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी समस्या से भी उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा। जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है दुरुस्त है, स्टूडेंट्स को पहले दिक्कत नहीं आई थी PDF सबमिट करवाते वक्त, तो वो स्टूडेंट पहले की तरह ही अपनी PDF सबमिट करवा सकते हैं। और जिनको दिक्कत आ रही थी तो वो एक एक पेज की फोटो कैप्चर करके PDF जो अपनी आंसर बुक है हर एक पेज की फोटो कैप्चर करके पेज वाइज जो फोटो कैप्चर होंगी वो अपलोड होंगी, यानी कि इससे आपका टाइम बचेगा। PDF बनाने में क्या होता है कि आपको हर एक पेज की फोटो कैप्चर करनी होती है, फिर PDF बनेगी, फिर उसको आप सेव करेंगे, तो वो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। अगर किसी को PDF सबमिट करवाने संबंधी दिक्कत आए तो ये अल्टरनेट ऑप्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रदान कर दिए गए दे दिया गया तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जो भी अपडेट्स होंगी लगातार आपके साथ शेयर की जाएंगी। ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें।